द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन एनी फाइनेंशियल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन दैट इज़ द फॉर्वर्ड मनी ट्रेल तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर आपका पैसा कट जाता है तो उसको ट्रैक कैसे करें फॉरवर्ड डायरेक्शन में सो दिस इज़ द शॉर्ट वीडियो ऑन देट फ्रंट तो वेनएवर देर इज़ अ फाइनेंशियल लॉस और जब भी कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो ऐसा टाइप का एक स्क्रीन शॉट आता है दिस इज़ वेयर द इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्टिंग स्टार्ट सो इफ़ यू कैन सी द स्क्रीन शॉट द स्क्रीन शॉट बिलोंग्स टू द फ़ोन पे यू पी आई एप्लीकेशन एंड जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो एक बारह डिजिट का यू टी आर नंबर जनरेट होता है एंड इन दिस सेशन वी विल बी कवरिंग अबाउट ओनली द यू पी आई फ्रॉड्स सो इफ यू सी द स्क्रीन शॉट द फोन पे स्क्रीन शॉट से इज़ दैट द यू टी आर नंबर इज दिस आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक से पैसे कटे हैं एंड इट है वेंट टू सम कंपनी ऑल इज एक्सफाइजेड प्राइवेट लिमिटेड एंड द अमाउंट इज थ्री थर्टी सेवन ऑल्सो थोड़ा डिटेल uh, एक्सपेंड करेंगे तो यू कैन ऑल्सो सी द टाइम अब इसमें से एक चीज़ हमें देखना है कि वन इज़ की वॉट इज़ द डेबिट पार्टी सो डेबिट पार्टी इज आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक मतलब यहाँ से पैसा कटा है दैट मीन्स कि विक्टिम की बैंक है आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक और यू टी आर नंबर इज दिस कितने कटे हैं पैसे थ्री थर्टी सेवन कौन सा ऐप यूज़ हुआ था फोन पे एंड व्हाट वाज द यू नंबर तो दिस इज द ट्वेल्व डिजिट यू नंबर ओके सो वेयर टू स्टार्ट द फाइनेंशियल फ्रॉड ट्रेल फ्रॉड ट्रेल आपको स्टार्ट करना है विक्टिम की बैंक से सो इफ यू आस्क द विक्टम्स बैंक वेयर द मनी वेंट सो ही विल चेक इन साइड हि स्कोर बैंकिंग सिस्टम सी बी एस की मनी वेंट टू सो एंड सो बैंक वी विल कवर दैट इन नेक्स्ट स्लाइड बट दिस इज़ वेयर योर इन्वेस्टिगेशन और दिस इज़ वेर योर ट्रांजेक्शन ट्रेल शुड स्टार्ट इन एनी ऑफ द ट्रांजेक्शन सो योर विक्टिम्स बैंक नोज़ डेबिटिंग पार्टी बैंक नोज कि पैसा आगे कहाँ गया है राइट एंड विक्टिम गैम को विक्टिम बैंक को अगर आपको पूछना है तो दिस इज़ मैंडेटरी यू टी आर नंबर इज मैंडेट्री ये इसी के बेस पर आप ट्रैक कर सकते हो कि पैसा आगे कहाँ गया सो लेट सी द ट्रेल दिस इज अ टिपिकल फाइनेंशियल फ्रॉड ट्रेल तो दिस इज विक्टम जो कि परेशान हैं आप स्क्रीन में देखें उसके अकाउंट से पैसा कटा है एंड दिस इज़ द फ्रॉड स्टार हु इज़ वेरी हैप्पी क्योंकि उसके अकाउंट में पैसा आ गया है एंड दिस मनी इज़ फैसिलिटेटेड थ्रू एन पी सी आई तो एन पी सी आई का रोल बहुत लिमिटेड होता है दे इट्स जस्ट अ चैनल टू कनेक्ट द टू बैंक्स और आपका जो यू टी आर नंबर जनरेट होता है दैट इज़ अ यूनिक नंबर दैट यू टी आर नंबर इज़ यूनिक बट इन सम केसेज इट may बी replicated और इट may be रिपीटेड ओके सो when यू सी दिस UTR number नंबर तीन लोगों के पास होता है नंबर वन इज़ विक्टिम के बैंक के पास भी आप यू टी नंबर से सर्च करवा सकते हैं एन पी सी आई के पास से भी यू टी आर नंबर से सर्च करवा सकते हैं एंड जो बेनिफिशियरी बैंक है जहाँ पर पैसा कट के चला गया है विच इज़ अ फ्रॉडचर्स बैंक इन अवर केस उनके पास भी यू टी आर नंबर से आप सर्च करवा सकते हो तो कोई भी फाइनेंशियल ट्रेल अगर आपको करना है तो उसमें एक डेबिटिंग बैंक होगी क्रेडिटिंग बैंक होगी एंड एक पेमेंट फैसिलिटेटर होगा सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लेयर अकाउंट फर्स्ट लेयर का मतलब होता है जहाँ से विक्टिम का पैसा कटा उधर से इमीडिएटली जिस अकाउंट में आया दैट इज द फर्स्ट लेयर अकाउंट राइट नाउ लेट्स गो अबिट कॉम्प्लेक्स एंड अब बिट इन डेप्थ सो जैसे कि हमने देखा विल टेक एन एग्जाम्पल हियर सो विक्टिम जो कि अभी बैठे हैं सोफे पे शी हैज़ हर अकाउंट इन एस बी आई और उसका अकाउंट से पैसा कट गया कहाँ गया पैसा कट के सो <coughs> so, एक यू नंबर जनरेट हुआ होगा जहाँ पे पैसा उसका कटा सो यू नंबर जनरेट होकर द मनी हैज़ गॉन टू फ्रॉडस्टर्स बैंक अकाउंट विच इज़ इन बैंक ऑफ बरोडा दिस इज़ एन इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल सो हेयर द फर्स्ट लेयर बैंक अकाउंट इज़ बैंक ऑफ बड़ोडा और एक यूनिक रेफरेंस नंबर से जनरेट हुआ है सो विक्टिम एस को आप जब पूछोगे कि ये यू नंबर से पैसा कहाँ गया तो ही विल से मनी वेंट टू बैंक ऑफ बरोडा नाउ वैन यू आस्क बैंक ऑफ बड़ोड़ा कि पैसा कहाँ गया सो ही विल से कि यार पैसा आया था बट नाउ इट हैज़ वेंट टू सम अदर प्लेस विद दिस पर्टिकुलर यू टी आर नंबर वो यू टी आर लेके आपको बैंक ऑफ बड़ोड़ा को पूछना है कि कहाँ गया सो देन ही विल से दैट मनी वेंट टू यूनियन बैंक सो दिस इज अगेन अ सेकेंड लेयर अकाउंट सेकेंड लेयर क्योंकि पहला फर्स्ट लेयर में पैसा आया इधर से फिर और आगे ट्रांसफर कर दिया उसने सो दैट इज कॉल्ड द सेकेंड लेयर अकाउंट रिमेंबर यू टी आर नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कनेक्ट्स द टू बैंक्स आप इसी के बेस पे आप क्वेरी कर सकते हैं एंड आपको बॉटम में एक लाइन दिख रही होगी कि लेयरिंग इसके लिए यूज होती है दिस इज़ कॉल्ड लेयरिंग ताकि इन्वेस्टिगेशन में डिले कर सके एंड दे गेट टाइम टू टेक आउट द मनी सो दिस इज़ अ टिपिकल फंड ट्रेल कई बार सात आठ लेयर तक भी ये चीज़ देखी जा सकती है देर आर मेनी लेयर्स दैट फ्रॉड स्टर्स क्रिएट एंड स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज क्राइम होगा तो नाइन टेन लेयर्स तक दे कैन क्रिएट सो दिस इज हाउ यू डील विद द फॉर्वर्ड मनी ट्रेल एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द बैंक अकाउंट तो जनरली एक हमने देखा है कि रेंटेड अकाउंट्स का यूज होता है रेंटेड अकाउंट मीन्स ओनर अकाउंट का है उसने भाड़े पर किसी और को बैंक अकाउंट दे दिया है दिस इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस इन साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड कि द अकाउंट ओनर डज नॉट नो दैट हिज अकाउंट इज़ यूज फॉर फ्रॉड परपज़ सो हाउ टू आइडेंटिफाई दैट अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन एंड कोर्ट पर्स्पेक्टिव तो जैसे कि आप स्क्रीन शॉट पर देख रहे हैं इंडिया के मैप में एक आईसी आईसी बैंक का फॉर एग्जाम्पल बैंक है अकाउंट uh, है उसका ओनर का एड्रेस है वेस्ट बंगाल का एंड ओनर इज़ ऑल्सो प्रेजेंट अकाउंट ओनर इज़ प्रेजेंट इन वेस्ट बेंगाल बट जब ट्रांजेक्शन हुआ था यू पी आई ट्रांजेक्शन उस बैंक अकाउंट में एंड जब वो बैंक अकाउंट का एक्सेस किया गया था नेट बैंकिंग के द्वारा तो दैट वॉज फ्रॉम गुजरात so by this you can prove that when the transaction took place when the fraud money came inside and when the fraud money went outside to second layer the owner of the account was present physically in west bengal but the ip login was found from gujarat so this is one of the indicators wherein you can identify the mule account and uh, what is needed charge is a compulsory to establish a trail one is transaction date and time यू टी आर नंबर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट एंड डी आई पी एड्रेस विदाउट दिस इट इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट वे टू गो फॉरवर्ड सो चार चीज़ें होनी चाहिए फॉर एनी टाइप ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एंड वे डज द ट्रेल एंड कहाँ जा कर रुकता है सो एज वी शो इन द एग्जाम्पल इट गोज टू फर्स्ट लेयर फर्स्ट बैंक अकाउंट सेकेंड बैंक अकाउंट तो इतनी जगह पर पैसा निकलता है सो वॉट क्रिमिनल्स डू इज दे विल टेक आउट द मनी थ्रू कैश Uh, through any of the atm they will swipe the card from their fraud account uh, to purchase a petrol yeah any other product they will buy through online channels like card vouchers they will trade on cryptocurrency p2p trading say crypto may convert curling they will create more layers 7 10 layers so it will take around 1 month for you to reach there they can even purchase gold and diamonds from offline stores aps is one of the methods recently discovered but there is a limit of 10,000 so the amount is very less and many a times the organized criminals they may even transfer money outside through swift so ke bahar directly to any other bank account in uh, other countries they transfer it so this is where the trail ends and uh, yes so this is about the forward trail so we are going in the forward direction where the money was lost so yeah